हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आप लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में चैप्टर का एक्सरसाइज कौन सा चल रहा है? एक्सरसाइज 2.2। बट इसे स्टार्ट करने से पहले हम क्या बताना चाहेंगे आप लोग को, जो नए स्टूडेंट्स हैं वो ऐड में, उनका पीछे का वीडियोस क्या हुआ है, छूट गया है। आपको क्या करना है, पीछे वाले वीडियोस को देखने के लिए आप वीडियोस के नीचे देखोगे तो एक बटन दिया है ना, ट्रायंगल जैसा, उसे क्लिक करो, डिस्क्रिप्शन खोल के आएगा, उसमें लिंक दिए गए हैं, जितने भी प्रीवियस वीडियोस के हैं वो सभी लिंक आपको नीचे दिए गए हैं, चाहे वो चैप्टर रियल नंबर हो, चाहे वो पॉलीनोमियल के जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो हो, सभी लिंक दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, उन सभी वीडियोस को देखना है, टोटल क्लास अटेंड करना है, CWHW कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, ओके। और चैप्टर जो चल रहा है उसमें एक्सरसाइज 2.2 में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अटेम्प्ट कर चुके हैं। आज हम लोग को कौन सा करना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड करना है। और जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फर्स्ट का फर्स्ट एंड फोर्थ फिफ्थ हमने किया हुआ है, रिमेनिंग क्वेश्चन क्या किया गया था, होमवर्क दिया गया था। तो जो भी होमवर्क दिया जाता है आप लोग डेली बेस पे कंप्लीट करो, डेली कंप्लीट करो, डेली होमवर्क सेंड करो, अपलोड करो, उसे चेक किया जाएगा। ओके, सो अब आज के डेट में हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर टू का टोटल कितने पार्ट है, सिक्स पार्ट है ना, तो कुछ हम करेंगे कुछ आप करेंगे। तो जो हम कर रहे हैं वो तो ठीक है, आप CW में कर लोगे, जो रिमेनिंग क्वेश्चन बच जाएगा वो क्या करेंगे आप लोग, होमवर्क में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 2.2 और क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट। ओके ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। ओके, सो क्वेश्चन नंबर सेकंड का हम लोग फर्स्ट पार्ट लेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात हो रही है। तो जो भी क्वेश्चन में दिया गया है, दो पॉइंट दिया गया है, एक नंबर जो बोला गया है वो सम ऑफ जीरोस है और जो सेकंड नंबर दिया गया है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। फर्स्ट नंबर क्या है, 1/4 और सेकंड नंबर क्या है, -1। सो 1/4 क्या हो गया, सम ऑफ जीरोस, एंड सेकंड नंबर क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जैसे क्वेश्चन लिखा गया। तो यानी 1/4 हो गया जीरोस का सम। लेट 2 जीरोस अल्फा एंड बीटा, अगर अल्फा बीटा जीरोस हैं, हमने रिलेशन प्रूफ किया हुआ है, जैसे कि बताया ना प्रीवियस वीडियोस के लिंक दिए गए हैं, तो आप देखोगे जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के जीरोस और कोफिशिएंट का रिलेशन वेरीफाई करके दिखाया गया, वो वीडियोस में नीचे दिए गए लिंक, तो वो वेरीफाई करके क्या दिखाया गया था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या दिखाया गया था, -b/a एंड अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, c/a। जब इसको कंबाइन करोगे आप, यूज करोगे किसमें, यूज करोगे पॉलीनोमियल के लिए, तो क्या रिलेशन बनेगा, रिलेशन क्या बनेगा, देखो पॉलीनोमियल के केस में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू क्या होता है, एक्स होता है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर? तो ये बना कैसे, ये डाउट होगा। और इसमें एक कांस्टेंट भी लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं, कांस्टेंट के। अगर अल्फा और बीटा उसके क्या है, जीरोस है, तो अल्फा और बीटा के अकॉर्डिंग एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा ये क्या होगा, फैक्टर होगा, फैक्टर थ्योरम से बताया गया था। ठीक, तो इसका प्रोडक्ट क्या देगा आपको, पॉलीनोमियल देगा। बट पॉलीनोमियल निकालते समय फैक्टर्स को हम ये मान के चलते हैं कि इसमें कोई कांस्टेंट कॉमन ना होगा, इसलिए क्या लेके चलते हैं हम लोग, के लेके चलते हैं, वेयर के इज अ कांस्टेंट, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस
बी टर्म, क्लियर। सो अब मल्टीप्लाई करोगे इसको तो के एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस प्लस अल्फा इनटू बीटा, क्या मिला आपको? देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर अगर इसमें माइनस एक्स कॉमन निकाल दो तो अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इनटू बीटा आया ना। सो यही वो रिलेशन लिखा गया है, क्लियर। तो जो आपने वीडियो मिस किया है देख लेना, तो इसमें आप ये पाओगे। तो इसका यूज हम ऐसे क्वेश्चन में करेंगे, कब? जब जीरोस की सम की बात हो, या जीरोस दिया तो भी उसका सम ले ही सकते हो आपको, ठीक है। तो जीरोस की सम की बात हो, प्रोडक्ट की बात हो, और आपको निकालना क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के केस में आप ये अप्लाई करो, ठीक। तो आपको सम ऑफ जीरोस कितना दिया गया है? 1/4 दिया गया है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया गया है? वो -1 दिया गया। तो यहां पे क्या करेंगे, वो वैल्यू पुट कर देंगे, इजीली सिंपलीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको बताया गया है, ये रिलेशन कैसे बना हुआ है वो समझाने के लिए, क्लियर। इसको आप सॉल्यूशन में लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए बताया गया कि बना कैसे। दैट मींस ये फैक्टर्स से ये पॉलीनोमियल का इक्वेशन कैसे आया, क्लियर है। चलो, तो अब यहां पे आपने ये अप्लाई कर दिया, क्या लिखा? P x is equal to k, ब्रैकेट में दिखा दिया गया है। अब ये k क्या है, इसलिए आप लिखेंगे where k is a constant, where k is a constant, ठीक है। So अब P x equal to क्या हो जाएगा, यहां पे sum of zeros लिखा गया है, आप simply इसको ऐसे भी लिख सकते हो alpha plus beta, और यहां पे product of zeros लिखा गया है, यहां simply क्या लिख सकते हैं आप लोग, अल्फा इनटू बीटा। इसीलिए यहां पे क्या दिखाया गया, अल्फा और बीटा क्या है, इसके जीरो। आप चाहे ऐसे लिखो चाहे वो वर्डिंग में लिखो, दोनों सही है, क्लियर है। तो यहां पे अब px इक्वल टू क्या हो जाएगा, के ये है क्या, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 एंड अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू कितनी है, -1, क्लियर है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फर्स्ट वाला, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है ना कि सम ऑफ जीरोस पहले बोला गया, बाद में बोला गया प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो आपको सम ऑफ जीरोस किसको लेना चाहिए, तो 1/4 लेके चलेंगे, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो किसको लेके चलेंगे, -1 को लेके चलेंगे, क्लियर। सो यहां पे अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 और एक्स प्लस अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू -1 ब्रैकेट देंगे। रीजन क्या है ब्रैकेट देने का, यहां पे क्या है, दो साइन है ना, क्लियर। अब अगले स्टेप पे px इक्वल टू k x स्क्वायर माइनस 1/4 x -1 प्लस -1, ओके, स्मॉल ब्रैकेट भी दे सकते हैं यहां पे हम लोग। चलो, तो ये हुआ आपका आंसर। दैट मींस अगर सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए गए हो तो आपको बोला जाए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल निकालने के लिए, तो ये वो पॉलीनोमियल होगा रिजल्ट, क्लियर। तो ये सेकंड का फर्स्ट, अब हम लोग करेंगे सेकंड का क्वेश्चन नंबर 5, और रिमेनिंग क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। तो 5th में क्या दिया है, सम ऑफ जीरोस कितना है, -1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/4, क्लियर, नोट कर लिया होगा आपने। चलो, क्वेश्चन नंबर 5, सेकंड का 5, -1/4 एंड 1/4, ठीक है। तो यहां पे सम ऑफ जीरोस कितने हैं, -1/4, दैट मींस वी हैव अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4 एंड अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू क्या है, 1/4। हाँ, तो px is equal to क्या हो जाएगा, px equal to k x square minus alpha plus beta x plus alpha into beta, clear। So alpha plus beta की value क्या है, -1/4 and alpha into beta की value क्या है, 1/4, clear। चलो, अब यहाँ put करते हैं, अच्छा k क्या है, where k is a constant, where k is a constant, चलो k x square
माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या लिख देंगे, माइनस 1 बाई 4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 बाई 4 के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 बाई 4 एक्स प्लस 1 बाई 4। सो दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, सामने देखो एक्सरसाइज क्या दिया है, 2.2। हमने 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा पार्ट किया, फर्स्ट पार्ट किया और फिफ्थ पार्ट। आप लोगों को कौन कौन सा पार्ट करना है, दैट मींस होमवर्क के लिए नोट करना क्या है, होमवर्क में आपको होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2 में सेकंड थर्ड फोर्थ एंड सिक्स सेम पैटर्न में करना है, इजी है, आराम से कर लोगे आप लोग। ओके, तो डे बाय डे आप लोगों को होमवर्क करके अपलोड करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप लोगों का होमवर्क रहा, आई होप समझ में आया आप लोगों को। ओके, थैंक यू।